हरे कृष्णा। भगवान की प्रेममय भक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है एकादशी के व्रत का पालन करना। हमें दशमी के दिन संध्या काल से ही अन्न को नहीं खाना चाहिए, तो अगले दिन सुबह स्नान आदि करके हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर किसी भी अन्न या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन, फ्रूट्स और ये सब ले सकते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत भी करते हैं। हमें अपनी क्षमता अनुसार ये व्रत करना चाहिए। इस दिन भक्ति के रिलेटेड सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे हरि कथा का श्रवण, भगवान के दिव्य नामों का जप, भगवत गीता और भागवतम को पढ़ना चाहिए और उनका श्रवण करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अगले दिन द्वादशी को निर्धारित पारण के समय अन्न ग्रहण करके व्रत को संपन्न करना चाहिए। द्वादशी के दिन दान आदि का भी बहुत महत्व है। पापान कुशा का महत्व ब्रह्म वैव्रत पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापान कुशा एकादशी है। ये एकादशी मन वांछित फल प्रदान करती है। इस दिन श्रद्धा से जो भी इस व्रत का पालन करके भगवान श्री विष्णु की शरण लेता है, उसे यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती और ऐसा इंसान भगवत धाम जाने योग्य बन जाता है। अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इस व्रत को करने से पितरों को भी बहुत लाभ मिलता है। इस दिन भगवान के दिव्य नामों का जप करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं पापान कुशा एकादशी की कथा की ओर। एक बार विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहा करता था, जो स्वभाव से बहुत क्रूर था और अपने जीवन को पापमय कार्यों में व्यतीत करता था। जीवन के अंतिम पग पर किसी प्रकार से उसे ज्ञात हुआ कि उसकी दुर्गति होने वाली है, उसे नरकों की यातना भुगतनी पड़ेगी। अपनी ऐसी गति से भयभीत होकर उसने अंगीरा नामक ऋषि की शरण ली और उनसे याचना करने लगा कि किसी प्रकार उसे इस भयंकर आपदा से बचाने हेतु कोई समाधान बताएं। तो अंगीरा मुनि ने उसे बताया कि यदि वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापान कुशा एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करे और भगवान श्री विष्णु की पूजा करे, तो इससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस बहेलिये ने विधि से इस व्रत का पालन किया और जीवन के अंत में सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो चलिए इस पाप नाशक पापान कुशा एकादशी का पालन पूरे भक्ति भाव से करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करें और भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति पाने के लिए, प्रेम भक्ति पाने के लिए उनसे हृदय से प्रार्थना करें। आप सभी को पापान कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।